वर्ल्ड कप में फाइनल में जाए। बाप तो बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। 8-0 क्योंकि वर्ल्ड कप 50-50 में हम और पाकिस्तान 8 बार आमने सामने हुए हैं और 8 बार जीत हमारी हुई है, चाहे वो ये ले ले ले। बताएं
बाद किसकी बल्लेबाजी अच्छी लगी? हमारी सोसाइटी और पूरे करनाल में यही सोसाइटी है जो हमेशा आगे रहती है। जेबीपी सोसाइटी रो आगे के लिए। टीम इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जोश से खेलते रहो, हम फाइनल में भी ऐसे ही मजे करेंगे। फाइनल भी हम भी जीतेंगे। फाइनल अगर इंडिया में पहुंचा तो यही दोबारा फिर लगेगी एलसीडी पर, वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। मजा आया, मजा की जय। और ये तिरंगा झंडा एक बार की जीतते वर्ल्ड कप लाने वाले हैं हम। वर्ल्ड कप हमारे पास ही आ रहा है। वर्ल्ड कप हमारा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। कभी जिंदगी में नहीं किया जितना आज किया, बहुत आनंद आया। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो भारत के फैन हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जीत की खुशी है बच्चों से लेकर बड़ों में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाच गाकर, क्योंकि बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। हम कहते हैं बात आ गई, ऐसे जीतता रहे और वर्ल्ड कप में फाइनल में जाए। आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप फाइनल का इंतजार है। अच्छा बताओ माला, एक एक करके किसकी बैटिंग अच्छी लगी? देखा आपने पूरा मुकाबला देखा? हाँ। कौन सबसे अच्छा लगा, किसकी बल्लेबाजी अच्छी लगी आपको? इंडिया की बल्लेबाजी, बिल्कुल इंडिया की अच्छी बल्लेबाजी। बाप तो बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। 8-0, क्योंकि वर्ल्ड कप 50-50 में हम और पाकिस्तान 8 बार आमने सामने हुए हैं और 8 बार जीत हमारी हुई है, चाहे वो कोई भी। स्क्रीन लगाई गई थी छोटे। बेटा आप बताओ आपका क्या नाम, कितना मजा आया आज? मेरे को बहुत मजा आया। कौन कौन किसकी बल्लेबाजी आपने देखी जो सबसे अच्छी लगी थी? मेरे को विराट कोहली और रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा। और बॉलिंग किसकी अच्छी लगी? बॉलिंग मेरे को बूम बूम बुमराह। किसकी? छोटे छोटे बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बजा दी। तो ये जीत का जश्न है, ये तिरंगा झंडा इसी तरीके से लहराता रहे, क्योंकि
भारत ने जीत हासिल किया। 19 तारीख को भारत और बांग्लादेश का मुकाबला होगा और उम्मीद है कि हम उसमें भी जीत हासिल करेंगे। उसके बाद 22 तारीख को भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने हो रहे हैं। पहला मुकाबला हमने 6 विकेट से जीता, फिर 8 विकेट से जीत हासिल की और आज 7 विकेट से हमने जीत हासिल की है। बहुत सारे सोसाइटी के लोग हैं सर, कितना मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया इंडिया का मैच देख के। एक बार तो यहाँ देख के ऐसा लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जीतेगा। मजा आया बेटा आज के मैच में, बहुत ज्यादा इंडिया का सम्मान। बच्चों आप भी बच्चों के पूरे मतलब बच्चे हो गए आज, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा माहौल तो कभी देखा ही नहीं हमने। एंजॉय, मैं आशा करता हूँ इंडिया आगे भी ऐसे ही मैच जीत कर रहे हैं। भारत माता की, अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो हमारी सोसाइटी ऐसी लाइव वीडियोस बनाती रहेगी। किसकी बल्लेबाजी आपको अच्छी लगी? बुमराह की बॉलिंग अच्छी लगी और बल्लेबाजी रोहित और की अच्छी बल्लेबाजी लगी? ये सोसाइटी है, ये मैच देखा, एंजॉय किया, मजा आया। आप बताओ मजा आया आज? सारी सोसाइटी के लिए बताएं कितना मजा आया, बहुत मजा आया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसा सभी सोसाइटी की जितनी भी फैमिलीज है उनकी गाड़ियों के लिए उन्होंने बहुत ही मजा आया, जो सबका हाई था मैसेज डाला कि आपने इंडिया पाकिस्तान में अलाइनमेंट कराने से ही बारी है सोसाइटी ने बहुत साथ दिया, बहुत मजा आया। आगे ऐसे इवेंट करते ही रहेंगे सारे इवेंट में। प्री बिल्कुल किया था, ऐसा जश्न आपने कहीं नहीं देखा होगा। तिरंगा झंडा और उसके नीचे तमाम सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। भारत माता की, भारत माता की, बहुत मजा आया आज के, बहुत मजा आया। कुछ कहना चाहेंगे आज की मुकाबले को लेकर? सफल भारत, भारत ने तो जीतना ही था, भारत भारत ही है। भारत कल भी अच्छा था और आज पाकिस्तान का मुकाबला भारत, बिल्कुल यही जीत का जश्न आगे भी बरकरार रहेगा। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जीत हासिल की। दूसरा मुकाबला हमने न्यूजीलैंड जो अफगानिस्तान है उसके खिलाफ जीत हासिल की। तीसरा मुकाबला पाकिस्तान को जीत कर दिया चारों खाने और अगला मुकाबला बांग्लादेश से और उसके बाद न्यूजीलैंड से। अब देखना ये होगा कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन पहुंचता है और जीत किसकी होती है। लेकिन जश्न चारों तरफ है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूँ आपके साथ। भारत माता की, भारत माता की।